हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज मैं बनाने वाली हूँ चटनी। ये मैंने मूंगफली ली है, ये करी पत्ता है और ये लहसुन के पत्ते हैं, ये पुदीना है और हरा धनिया है। इधर ये हरी मिर्च है और लाल मिर्च, थोड़ा सा नींबू है, अदरक है, लहसुन है और ये काजू है। सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए, जो ये मूंगफली है, ये कच्ची मूंगफली है, इसे हम थोड़ा गरम करेंगे। इसे थोड़ा गरम करेंगे ताकि इसका कच्चापन भी निकल जाए। इसके साथ में हम डालेंगे ये लाल मिर्च और ये लहसुन। लहसुन ये भी साथ में पक जाएगी और अदरक। ये भुन गए हैं, अब गैस हम बंद करेंगे। इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। तवा गरम है, इसमें हम डालेंगे जीरा। ये मैंने अलग कर दिए है लहसुन और मिर्च अदरक। अब हम इसे इस तरीके से हाथ में मस लेंगे ताकि इसके जो छिलके हैं वो निकल जाए। अब हम इसे ग्राइंडर में डालेंगे। ये भी, ये है बादाम भीगे हुए और काजू। नींबू। अब इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसे चेक करते हैं। चटनी बन गई है, अब हम इसे इसमें निकाल देंगे। देखिए, आपको इस पे तड़का लगाना हो तो राई का तड़का इसके ऊपर डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।